हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। वेलकम बैक माय चैनल पॉडी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज आ रहे हैं हम वाटर सप्लाई को देखने, क्योंकि वाटर सप्लाई हो चुकी है बंद। तो गर्मियों के दिन है, तो गर्मियों के दिन में तो पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हमको ऊपर जाना पड़ा। यहाँ पर ना तो कोई चौकीदार है, ना कोई आता है टाइम से ड्यूटी देता है यहाँ पर, इसलिए हमको खुद ही जाना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसे सर्दी के टाइम में रहता तो पानी के इतना नहीं, क्योंकि गर्मी के टाइम है तो इस टाइम बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है, इसलिए हमको खुद ही ऊपर जाना पड़ रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से पानी की दिक्कत आ रही है। तो वीडियो के साथ लाइट घंट तक बने रहे, सीधे आपके मिलते हैं, आप जहाँ से हमारा कनेक्शन है वहाँ पर मिलते हैं। गाइस, हम चढ़ रहे हैं इस समय चढ़ाई ऊपर की तरफ, काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है क्योंकि मैक्सिमम एक आधा घंटा हो गया घर से निकले हुए, और ज़्यादा चढ़ाई होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं ऊपर जाने में। ये हमारे भाई जी संतोष सिंह जो हमारे साथ जा रहे हैं। तो गाइस, आप सीधे आपको पानी के नल के पास ले चलते हैं। तो जब अपने कनेक्शन तक पहुंचने से पहले हमें एक पुरानी याद आदें ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि ये है हमारा मिडिल स्कूल हिरनी। तो क्योंकि हमने बचपन से इसी स्कूल में, फर्स्ट से तक इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, काफ़ी छोटे हुए करते थे जब हम काफ़ी दिन बाद यहाँ आने का मौका मिला है। तो उसका तो गाइस, ये है हमारा स्कूल, मिडिल स्कूल किरनी, जहाँ पे हम बचपन में यहाँ पर बैठा करते थे। क्योंकि यहाँ का बचपन का जो, गाइस एक यहाँ की खास बात बताऊँ मैं आपको, कि इस स्कूल में यहाँ पर एक टीचर हुआ करते थे जो सर के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उनका आने का टाइम पर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का होता था, क्योंकि वो कभी टाइम में तो 8 बजे स्कूल लगता था, उस टाइम वो आ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ का टाइम आने का रखा था। तो गाइस, यहाँ पर है दिक्कत पानी की, जो इसको सही कर रहे हैं। तो गाइस, चौकीदार साहब जो बड़े भैया भी हैं, ये यहाँ पर कनेक्शन देखने आए हैं, और देखेंगे गाइस यहाँ पर क्या दिक्कत है हमारे गांव में, क्यों पानी नहीं आ रहा है। यहाँ का इशू कुछ ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है। गाइस, आगे वीडियो में मिलते हैं, वीडियो के साथ अंदर बने रहें। यहाँ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो अपने बस में होने नहीं वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम ही नहीं है, चौकीदार को बुलाना ही पड़ेगा, रास्ता भी उसको करवाना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। क्योंकि हमारी जो देख रहे हैं ये है कि जनरल लाइन वो करती है, पहले हमारे पूरा कंप्यूटर कॉम्पिटेंट से पानी चाहता था, पर अब उसको हटा के हमें एक कनेक्शन दे दिया गया है पूरा गांव को, और ये बड़ा जो जनरल लाइन है वो आगे तरफ जा रही है। तो इसलिए गाइस, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको छोड़ ही देते हैं। तो जैसे चौकीदार आएगा उससे इसको सेट करवाएंगे। तो गाइस, आगे चलते हैं जगह पे बैठा करते थे, क्योंकि ये एक स्कूल ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर इतने जंगल के बीच में है, पूरा देखिए गाइस चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के बीच में स्कूल है, इतना ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो गाइस, ये देखिए इसकी किचन की हालत, ये है गाइस की किचन जहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाया करते हैं, इसकी हालत देखिए। ये देखिए अंदर का हाल इसका, काफ़ी बुरा शर्मनाक हार है, क्योंकि ऊपर का देखिए, छत देखिए किचन की। इसके लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए मैक्सिमम हर साल लाखों के हिसाब से पैसा आता है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। ये सब ऐसे जो रास्ते वाले लोग वही खा जाते हैं। इसकी ये देखिए, यहाँ पर खाना बनता है, जो चूल्हे बनाए हुए हैं इसमें खाना बनाते हैं, यहाँ पर ना गैस की फैसिलिटी है ना कुछ ऐसा। ये लकड़ियाँ देख रहे हैं आप सामने, तो ये लकड़ियाँ वजह से खाना, लकड़ियों से खाना बनता है यहाँ पर,
देखिए कितनी बहुत बुरी कंडीशन है, शर्म आनी चाहिए ऐसे हालात देख के, कितनी बढ़िया है। और अगर इसी जगह पे थोड़ी छोटी सी चीज़ को भी अगर इग्नोर किया जाए तो एक बहुत शर्मनाक बात होगी। तो गाइस वीडियो में मिलते हैं आगे, तो बस हमारे पास की वो कुछ बात ही नहीं, तो हम आ चलते हैं वापस, क्योंकि यहाँ पर हम पेंच अपने पेंच जी को लाएंगे साथ में और इसका सलूशन निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले उन्होंने बताया था कि यहाँ पर कि हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, ऐसे कनेक्शन डालेंगे, वो करेंगे, तो या कुछ टाइम जब कनेक्शन इसका सही तरह से हो जाएगा तो फिर तभी बात बन पाएगी। तो गाइस और है ये पहाड़ी एरिया की फ्रेश वेजिटेबल जो मूली है, ये अभी तैयार हो रही है, थोड़े दिन में तैयार हो जाएगी, फिर खाने के लिए बहुत ही सारा मज़ा आएगा। और ये देख लीजिए आज ये रेड वली के नाम से जाने वाली है वेजिटेबल्स, काफ़ी खाने के लिए काफ़ी बढ़िया होती है, तो अभी इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी तो रेडी होने वाली है। गेट साइड गाइस, सो ब्यूटीफुल व्यू। हमारा जंगल देखिए गाइस कितना भयानक है, जहां पर दिन में भी डर लगता है जाने के लिए, यहां पर अक्सर टाइगर आता रहता है, देखिए कितना डरावना जंगल है। और यहां पर टाइगर के होने के मैक्सिमम 50-60% चांस तो हमेशा रहते हैं, तो इसलिए यहां से गुजरना भी एक दिल दहलाने वाली बात। पूरा जंगल देख लीजिए, पूरा बंद पड़ा हुआ, ढका हुआ है पूरी तरह से। तो गाइस हम पहुंचने हैं वाले घर, अभी घर हम पहुंच गए हैं छोटी माता के मंदिर में, तो ये सामने दिख रहा है, तो अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में घर में हम। तो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तो वीडियो को तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।